स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जो लेसन 3 है क्लास 9th में, जो उत्तक जिसे हम प्लांट्स उत्तक के बारे में, तो प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ने के पहले थोड़ा हम समझ लें कि इसके पिछले लेसन 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवों की मूल संरचना, तो उसमें हम कोशिकाओं के बारे में हमने बताया था कि कोशिकाएं जो हैं, जो कि जंतु कोशिका मनुष्य कोशिका के बारे में हमने बताया था, और कोशिका के भी प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था, फिर इनमें दोनों में अंतर बताया था। इसके बाद हम लोगों ने उसकी कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया है, केंद्रक हैं, गुणसूत्र हैं, ये सब आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, तो ये सब के बारे में बताया। फिर हमने कोशिका विभाजन के बारे में, समसूत्री और सूत्री के बारे में बताया था। तो आज हम लोग तीसरे लेसन में हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। तो उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जो मतलब एग्रीगेट्स ऑफ द सेल नोन एज टिश्यू, यानी जो कोशिकाओं की समूह हो जाती हैं वही उत्तक बनाती है, फिर उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, इस तरह से इनमें कार्य होते हैं। तो उत्तक के बारे में देखेंगे प्लांट सेल में, तो इसको कैसे इनमें वृद्धि होती है। तो हम दो जार ले लें और एक उनके ऊपर हम प्याज रख लें और इनको हम जल से भर दें, तो देखते क्या है। एक दिन दो दिन के बाद यहाँ पर देखें दूसरे जार में, पहला जार है, दूसरा जार है, जिसमें ये जो मूल है जिसे जड़ कहते हैं यह बढ़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि इनमें कुछ ऐसे ऊतक हैं जो कि इन्हें वृद्धि करने का कार्य करते हैं, जिसे हम प्याज के मूल वृद्धि ऊतक या विभिन्न ऊतक उतक सिखाते हैं। तो यहाँ देखें, अगर पौधे में देखें यहाँ पर, तो यह ऊतक हमें जैसे एक शीर्ष पर जो आगे की तरफ रचना बढ़ाता है उसे हम शीर्षस्थ टिश्यूज कहते हैं, एपिकल टिश्यूज कहते हैं, शीर्षस्थ ऊतक। फिर देखेंगे बीच में जो मोटाई में बढ़ते हैं उसे अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं। फिर यहाँ देखें पार्श्व, ये लंबाई में बढ़ते हैं उसे पार्श्व ऊतक कहते हैं। तो इस तरह से हम इस तीन ऊतक को देखें, जो कि अब यह विभिन्न ऊतक पुनः कुछ भागों में विभाजित हैं, जिसे पहले कहते हैं सरल ऊतक। सरल ऊतक को देखें यह कई भागों में विभाजित हैं, जैसे पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को देखेंगे, यह कोशिकाएं देखिए सब लगी हुई हैं, लेकिन इनमें बीच बीच में अंतरावकाश है, तो अंतरावकाश पाए जाते हैं। और यह इनका काम क्या है कि यह भरण ऊतक के नाम से जाने जाते हैं, यह संग्रह करते हैं भोजन का। फिर दूसरा देखेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में देखें यह पहली ये कोशिका वृत्ति है, केंद्रक है, इसके अंदर राजधानी है, फिर अंतरकोशी अवकाश है, ये अप्राथमिक वृत्ति है। इस प्रकार से कोलन का काम क्या है कि यह फल और पत्तियों में उपस्थित होते हैं, इनके निर्माण में सहायता करते हैं। फिर देखेंगे स्करणकाइमा ऊतक, जिसमें कि देखें इसमें दो कार्नर पर ये पॉइंटेड होते हैं, बीच में फूले हुए होते हैं, तो इसे कहते हैं मोटी वृत्ति, फूली हुई होती है, और जो टेढ़े मेढ़े आकार होते हैं संकीर्ण ल्यूमन कहते हैं। इस प्रकार इसमें हम लोगों ने जो देखा कि ये तीन प्रकार के सरल ऊतक हैं। फिर आप देखिए दूसरा है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में देखेंगे तो उसमें फ्लोएम और जाइलम आते हैं। जाइलम कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि एक तो इस तरह से होल पाए जा रहे हैं, इसमें कई होल पाए जा रहे हैं, छिद्र पाए जा रहे हैं, यहाँ पर सर्पिलाकार होते हैं, फिर यह देखिए कई खंडों में होते हैं, तो इनके आकार कई तरह के होते हैं। और इनका काम क्या है कि यह जड़ों के द्वारा तरल के रूप में खाद्य पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये सब ये ऊतक है जो कि कई भागों में विभाजित होते हैं, जिसमें केंद्रक है, एक उसका द्रव्य इसमें भरे होते हैं, और यह जो इनका काम यही है कि प्रकाश संश्लेषण में करते समय और वह सीधे द्रव पदार्थ को द्रव के रूप में वह पत्तियों तक पहुँचाते हैं, जिससे स्टार्च बनता है। फिर देखेंगे ये चालनी नलिका है, तो चालनी फ्लोएम है, फ्लोएम में देखें चालनी प्लेट है, छनते हैं, मतलब जो रस के रूप में ये बन जाते हैं भोजन वही नीचे जाते हैं, ये फिर चालनी नलिका है। इसके बाद ये कंपेनियन सेल से कहते हैं साथी कोशिकाएं, इनका काम क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में जो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसका जैसे दो प्रकार की क्रियाएँ होती है, प्रकाशिक अप्रकाशिक, तो रात्रि में क्या होता है कि वह तोड़ करके कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के रूप में एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं और उसे प्रत्येक अंगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वह जैविक कार्य कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्लांट में जो टिश्यूज हैं वह किस तरह से कार्य करते हैं, जैविक क्रियाएँ कैसे करते हैं, उनके बारे में देखा। और इसमें देखें, हाँ एक चीज़ और देख लें कि अगर हम देखते हैं इनका टीएस,
जैसे काटे तो टीएस देखेंगे, तो यह एक तना का टीएस है जिसमें ऊपर देखिए सूट हेयर पाए जाते हैं, यह सूट हेयर। फिर यह है बाहर ऊपर एपिडर्मिस है, फिर इसके बाद हाइपोडर्मिस है, फिर देखिए यह इसे रेजिन डक्ट कहते हैं, एक कार्टेक्स है भरण ऊतक के नाम से जानते हैं, यह इंडोडर्मिस है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसे फ्लोएम कहते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे पेरिसाइकिल है, फिर यहाँ पर देखेंगे पेरिसाइकिल के नीचे जाइलम दो तरह के हैं, जो बड़े बड़े हैं इसे कहते हैं मेटा जाइलम, फिर नीचे आएंगे प्रोटोजाइलम, और नीचे जो होती है जिसे कहते हैं पिथ, और इस पिथ को तो इस तरह से डाइकॉटिस्टियम या द्विबीजपत्री का तरीका स्ट्रक्चर है। तो तने में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं जो कि सिद्ध करती है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो पौधों के ऊतक के बारे में अध्ययन किया, अगले वीडियो में हम लोग जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान विषय में ऊतक के बारे में जो अध्ययन किया है पहले, इसके पहले वीडियो में प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू या पौधों के पादप ऊतक के बारे में अध्ययन किया, जिसके बारे में हमने देखा वह जो है विभिन्नोतक ऊतक, और उसके बाद सरल ऊतक कई भागों में थे जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्प्लेन्काइमा, और उसके बाद जटिल ऊतक में फ्लोएम, और यहाँ पर देखेंगे जटिल ऊतक में जिसके फ्लोएम है, जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो इस तरह से हम लोगों ने सब, उसके बाद ये आपके संरचनाएँ देखी थी हम लोगों ने कि जिसमें कि सूट हेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस हैं, इंडोडर्मिस हैं, फिर आपके जाइलम हैं, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम हैं, पेरिसाइकिल हैं, अंदर नीचे पिथ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था। तो इसकी संरचना टीएस, जब इसका इसको काटते हैं टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसकी संरचना हमें दिखाई पड़ती है। तो हम पौधों के ऊतक के बारे में पढ़े थे, अब आज देखेंगे जंतुओं के ऊतक के बारे में। तो जंतुओं का ऊतक जो कि आप जानते हैं हमारी पूरी शरीर लगभग जिसमें 10^19 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, हमने पहले बताया कि ऊतक किसे कहते हैं, कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो हम लोगों की शरीर भी बहुत सी कोशिकाएं से हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें उनकी रचनाएं तो समान हैं, लेकिन उनके कार्य के आधार पर थोड़ा सा इसमें बांटा गया है। जैसे पहला ए है सल्की ऊतक, सल्की ऊतक को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इनमें जिसे सल्क पाए जा रहे हैं, ये केंद्रक हैं और ये कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर सल्की ऊतक है, इनका काम क्या है, हमारे शरीर में हृदय तथा रुधिर वाहिनी के स्तर को बनाने में कार्य करती है। फिर देखेंगे दूसरा बी से कहते हैं अस्तरित सल्की, इसका इसमें देखेंगे अस्तर पाए जा रहे हैं, देखिए थोड़ा उससे डिफर है, और यहाँ पर कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये सब, और यहाँ पर ये केंद्रक हैं, और इसमें यहाँ पर ये टिश्यूज हैं जिसपे ये देखें कि अस्तर पाए जा रहे हैं इनके, उससे अधिक अस्तर हैं। तो ये इनका काम क्या है, जनन स्तर की कोशिकाओं के निर्माण करने में सहायता करना। फिर नेक्स्ट करेंगे देखेंगे तीसरा इसे स्तंभाकार, स्तंभ ये थोड़ा बड़े हैं उससे, इससे बड़े हैं, इनमें भी केंद्रक पाए जा रहे हैं, ये स्तंभाकार ऊतक हैं। और यह ऊतक का काम क्या है कि हमारे शरीर में आंत्र, अग्नाशय या पित्ताशय की बाहरी दीवार या उनकी संरचनाओं में कार्य करते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर जैसे हम कहते हैं अस्थायी सल्की जिनका जो कि काम है, अब देखिए अस्थायी सल्की मतलब इसमें देखिए कई कई तरह की कोशिकाएँ हैं, फिर यहाँ हैं, फिर यहाँ हैं, फिर ऊपर भी कोशिकाएँ हैं, इनमें कई तरह की कोशिकाएँ मिल करके ऊतक का निर्माण ये कर रही हैं। इनका काम क्या है, इसे अस्थायी सल्की कहते हैं, कई स्तर में पाए जा रहे हैं, एक स्तर, दो स्तर, कई तरह के यहाँ देखिए, तो अस्थायी सल्की कहते हैं। इसका काम है कि पुनर्भवन का रिजनरेशन, यानी कोई पार्ट टूट जाए तो उसे जल्दी से निर्मित करके उसे तैयार करने में सहायता करती हैं, वह पुनर्भवन का काम करती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो जंतु तक एपिथेलियल ऊतक के भाग हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे और दूसरा संयोजी ऊतक है, यहाँ देखें संयोजी ऊतक जो कि यह दो भागों में जैसे एक उपास्थि है, एक अस्थि है और तीसरा पेशी है। तो देखेंगे उपास्थि क्या है कि हमारे से जैसे नाक है, कान है, इनके निर्माण में उपास्थि काम करते हैं, इसमें कॉन्डक्टिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। अस्थि क्या है, इसमें ओसी नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है, ये हमारे शरीर में कंकाल तंत्र को बनाते हैं, जैसे हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं उनके निर्माण में सहायता करते हैं। फिर तीसरा पेशी है, पेशी का काम क्या है, जैसे हमारे कंकाल तंत्र में तो पेशियाँ क्या करती हैं, हड्डियों और हड्डियों को जोड़ करके आकार बनाने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में लगभग इनकी संख्या लगभग 536 है पेशियाँ, लेकिन यह तीन तरह की हैं। जैसे पहले देखेंगे यह रैखिक पेशी जिसे कहते हैं ऐच्छिक पेशी,
ऐच्छिक पेशी मतलब जैसे हमारी इच्छा से जो कार्य करें, जैसे हम जब चाहते हैं चलना तो पैरों के जांग में पाई जाती हैं, हाथ में पाई जाती हैं, जो हम चाहते हैं जब चाहते हैं तो वो चलते हैं, तो यह जो है रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। इसमें जो दो पदार्थ भरा होता है उसे कहते हैं सर्कोप्लाज, और ये जो देखिए कई स्तर में पाए जा रहे हैं तो ये है रेखित पेशी के। यहाँ देखेंगे जिसे कहते हैं अरेखित पेशी, अ मीन्स नहीं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार ना चले, उसे कहते हैं अरेखित पेशी। यह हमारे जैसे बिना जैसे आपका भोजन करते हैं ग्रासनरी है, फिर आमाशय है, भोजन अपने आप जाता है, वो आप काम करते रहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, हम भोजन कर लेते हैं उसके बाद वह अपना कार्य करते रहते हैं। तो यह जो है इनमें देखेंगे, यह जो भाग है यहाँ पर एक केंद्रक है, केंद्रक एक ही मिलता है, और इसे ये तर्क रूपी पेशी है, दोनों साइड से तर्क रूपी पेशी होती हैं, तो यह है आपकी अरेखित पेशी। तीसरा है इम्पॉर्टेंट हृदय पेशी, हृदय पेशी जिसे कहते हैं स्वायत्त पेशी, अपने आप वो कार्य करती रहती है। तीन में देखें कई ये जो आपकी जो है धारियां हैं, देखिए कई धारियां पाई केंद्रक हैं, तो इस तरह से हृदय पेशी जिनके बारे में हम लोगों ने देखा, यह हमारे हृदय में पाई जाती हैं और वह स्वायत्त काम करती है, ना ऐच्छिक ना अनैच्छिक। फिर लास्ट है देखेंगे यह तंत्रिका पुस्ता है, जो कि हमारे शरीर में क्रिया की प्रतिक्रिया करती है, यह रज्जु में पाई जाती है, इसमें इसे कहते हैं डेंड्राइट्स, इसमें ये केंद्रक है, एक कोशिकाकाय है और ये अहलान है, और यहाँ पर ये जो है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका जो हमारे क्रिया की प्रतिक्रिया का कार्य करती हैं, और मस्तिष्क में जो है पश्च मस्तिष्क के अंदर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और मेरुदंड के में उपस्थित होती है, धाये के रूप में कशेरुक दंड के नीचे पाई जाती है, जिसका काम है प्रतिवर्ती क्रिया को करना, जैसे कि टार्च की रोशनी जलाने पर आँख का बंद हो जाना, दौड़ते हुए जो है शरीर का जो है गिर पड़ना, या ट्रेन चलती है तो जो है आगे की तरफ झुक जाना, यह सारी क्रियाएँ प्रतिवर्ती क्रियाएँ हैं जो कि यह स्पाइनल कार्ड या तंत्रिका कोशिका या मेरुदंड से संपादित होती है। इस प्रकार हम लोगों ने जंतु कोशिका के बारे में आज अध्ययन किया, तो यह पाठ समाप्त हुआ। अगले अध्याय में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों पढ़ते हैं। थैंक यू।